क्या दोस्तों आपका भी क्रोम ब्राउजर यहाँ से अपडेट नहीं हो रहा है? जैसे कि हम अपडेट पे क्लिक करते हैं और ये आप देख सकते हैं बार बार कट हो जाता है, ये आप देख सकते हैं फिर से ये कट हो गया है, ये आप देख सकते हैं बार बार ये कट क्यों हो रहा है। दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम फिक्स करेंगे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्रोम ब्राउजर की अपडेटिंग प्रॉब्लम को हम कैसे सही कर सकते हैं। यदि आप ये वीडियो इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना है। तो चलिए चलते हैं बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन में ये देखना है कि नेट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके लिए दोस्तों आपको एयरप्लेन मोड मिलेगा, उस पर आपको एक बार टैप करना है, फिर से आपको उसी पर एक बार टैप कर देना है, ठीक है। ये कंडीशन ज़्यादा नहीं होती है, इससे आप एरोप्लेन मोड को ज़्यादा यूज़ भी ना करिए क्योंकि सिम ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल से क्या करना है, आपको सिंपल से अपने प्ले स्टोर को ऐप को दबा के रखना है, एफ इनपो खुलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको प्ले यहाँ पे लिखा होगा फोर्स स्टॉप, इसे फोर्स स्टॉप करना है, ठीक है। इस तरीके से क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। उसका दोस्तों आपको स्टोरेज यूज़ पे क्लिक करके क्लियर कैच करेंगे और क्लियर डाटा भी आपको यहाँ से कर देनी होगी, ठीक है। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से बैक थोड़ा चलना है, जैसे कि मैं बैक आ रहा हूँ। यहाँ पर आपको परमिशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट लोकेशन की परमिशन छोड़ के ये तीनों परमिशन दे देनी होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको मैं फिर से हम दूसरा तरीका बताऊंगा। क्रोम पे आपको दबा के रखना है, ठीक है। क्रोम ऐप को एफ एन पर क्लिक, इसमें इसे आप फोर्स स्टॉप करेंगे, ठीक है। स्टोरेज यूज पे क्लिक करेंगे तो आपको क्लियर कैच करना है इसमें, और कुछ भी नहीं करना है। ये दो काम आपको करने होंगे, ठीक है, मोबाइल की सेटिंग के अंदर, ठीक है। आप मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर दीजिए, ठीक है। मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे, उसके बाद दोस्तों खोलना है आपको, फिर उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में लिखना है क्रोम। क्रोम लिखेंगे इस तरीके से। आपको ये जरूर देख लेना है कि यहाँ पे आपको बार बार यानी कि कोई ऐप अपडेट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखो फिर से कट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको करते रहना है, ठीक है। जब तक ये प्रॉपर नेट ना आ जाए तब तक आपको करना है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए हम इस तरीके से बैकग्राउंड से हटा के फिर से करके देखते हैं। तो इस तरीके से मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैं फिर से प्ले स्टोर पर क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा फिर से क्रोम, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपडेट पे क्लिक करते हैं, फिर से क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करते रहना है जब तक ये अपडेट नहीं हो जाता, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत देर बाद यहाँ पे मैं करता रहा, ठीक है, अपडेट पे मैं क्लिक बार बार करता रहा, तब ये जाके इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये देखो यहाँ से अपडेट हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी अपडेट स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको देख लेना है, यहाँ पे इस तरीके से ये देखो अपडेट हो रहा है, ये सेकंड ही लेगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो भी मिनटें लगे सेकंड लगे यहाँ पे लेगा, यहाँ पे जब तक ये लाइन पूरी नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे ये अपडेट स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इस तरीके से इसे पूरा हो जाने देते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपडेट हो जाने देते हैं। चलिए इसे अपडेट कर लेते हैं उसके बाद। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 MB का अपडेट है, यहाँ 45% हो चुका है। अब यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखो यहाँ से कंप्लीट हो गया था, उसके बाद ये देखो यहाँ से होने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने अपडेट कर लिया है, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जरूर हुई, ठीक है, इंस्टॉल पर हम अपडेट हम क्लिक करते रहे तब ये अपडेट हुआ जाके, ठीक है। तो आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आप ऐसे फिक्स कर सकते हो, आप अपडेट पर बार बार क्लिक करेंगे और जैसे ही वो सेटअप हो जाएगा आपका हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मैं विदा लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, मैं अपडेट यहाँ पे क्लियर आपको दिखा के तभी वीडियो को ख़त्म करूँगा। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसे आसानी से यहाँ अपडेट कर लिया है, मुझे कोई भी थोड़ी बहुत तो दिक्कत हुई है, ठीक है। बेसिकली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक आने के लिए।